युवराज उदा खून से लथपथ तलवार को हाथ में लिए राज दरबार में प्रवेश करता है और स्वयं को मेवाड़ का राजा घोषित कर देता है। राज दरबार में बैठे सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं, इसलिए नहीं कि उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी, बल्कि इसलिए कि उस तलवार से जो रक्त टपक रहा था वो उसी के पिता राणा कुंभा का था। अपने ही संबंधियों को मारकर सत्ता हथिया लेना यवनों का चलन हुआ करता था, लेकिन इस मेवाड़ में ये पहली बार हुआ था। अरे इस मेवाड़ में अपने किसी मृत पूर्वज के वचनों की खातिर चुंडावतों की पूरी पीढ़ियों ने जरूरत पड़ने पर भी, कभी राजा के कहने पर भी राज सिंहासन पर बैठना तो दूर की बात, राज चिन्हों को भी धारण नहीं किया कि कहीं उनके पूर्वज चुंडा ने जो राज सिंहासन पर ना बैठने का वचन दिया था वो टूट ना जाए। इस तरह के वीर पुरुषों ने इस मेवाड़ में जन्म लिया था, जिनके लिए पितृभक्ति किसी भी सत्ता किसी भी राज सिंहासन से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। और इसी मेवाड़ में एक युवराज आज अपने पिता का वध करके राज दरबार में खड़ा था और खुद को राजा कह रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों राणा कुंभा के पुत्र ने ही कुंभा की हत्या कर दी। क्या एक षड्यंत्र था? क्या उस पितृहंता पुत्र को मेवाड़ की प्रजा और सरदारों ने राजा के रूप में स्वीकारा? दरअसल राणा कुंभा को अपने अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन राणा कुंभा एकलिंग जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, तभी उन्होंने एक गाय को मंदिर के सामने जोर जोर से रमाते हुए देखा। इस दृश्य से उनका मन विचलित हो उठा और वो एक ही रट लगाए रहते थे कि कामधेनु तांडव करी है। कोई उनसे कुछ भी कहता, कुछ भी पूछता तो वो एक ही जवाब देते कि कामधेनु तांडव करी है। जब उनके पुत्र रायमल ने उनसे इस बात को कहने के पीछे का कारण पूछा तो क्रोध में राणा कुंभा ने रायमल को देश निकाला दे दिया। लेकिन सरदारों ने रायमल से कहा कि जब तक महाराणा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप अपनी ससुराल चले जाएं। तभी एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि राणा कुंभा की हत्या एक चारण जाति के व्यक्ति के हाथों होगी। राणा कुंभा के सरदारों ने सभी चारणों को वहां से भगा दिया, लेकिन एक चारण छुपकर एक राजपूत सरदार के पास रहता था। उस चारण ने कहा कि मैं राणा कुंभा को ठीक कर सकता हूँ। अगले दिन वो सरदार उस चारण को राणा कुंभा के पास ले गया। राणा कुंभा ने उस चारण से भी यही कहा कि कामधेनु तांडव करी। इसके जवाब में उस चारण ने राणा कुंभा को मारवाड़ी भाषा का एक छंद सुनाया। जदघर पर जोबती दीठ नागौर धरंती, गायत्री संग्रहण देख मन माह डरंती, सुरकोटी तेतीस आण निरंता चारो, नहीं चरंत पीवंत मनहे करती हंकारों, कुंभेण राणा हड़िया कलम आजस डर डर उतरियाँ, तिण दीह द्वार शंकर तणे काम धेनु तांडव करियाँ। जिसका अर्थ है नागौर में गौ हत्या देखकर गायत्री कामधेनु बहुत डर रही थी। 33 करोड़ देवता उसके लिए घास और पानी लाते थे, परंतु वो न खाती थी न पीती थी। जब से राणा कुंभा ने मुसलमानों को मारकर गायों की रक्षा की है, तब से गाय भी हर्षित होकर शंकर के द्वार पर तांडव करती हैं। ये सुनकर राणा कुंभा ने कहा कि तू राजपूत नहीं, तू चारण है। उसने कहा कि हाँ मैं चारण हूँ और मैं ये प्रार्थना करने आया हूँ कि हमें हमारी जागीर वापस देकर राज्य में आने की आज्ञा दे दीजिए। राणा कुंभा ने चारणों को वापस आने की आज्ञा दे दी और तभी से राणा कुंभा ने कामधेनु तांडव करी कहना छोड़ दिया। लेकिन राणा कुंभा का उन्माद रोग ठीक नहीं हुआ। एक दिन राणा कुंभा कुंभस्वामी मंदिर में जलाशय के किनारे बैठकर पूजा कर रहे थे, तभी उनके ज्येष्ठ पुत्र उदा ने पीछे से तलवार से वार करके राणा कुंभा की हत्या कर दी। आजीवन बड़े बड़े राज्यों के सुल्तानों की तलवारें जिस रक्त से प्यास बुझाने के लिए आतुर थीं, लेकिन कभी राणा कुंभा की ऊपरी त्वचा को भेदकर उस रक्त का स्वाद न चख पाईं। आज वही रक्त उनके ही पुत्र की तलवार से टपक रहा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उदा को राणा कुंभा के छोटे भाई क्षेमकरण ने, जो शुरुआत में ही राणा कुंभा से नाराज होकर महमूद खिलजी के साथ मिल गया था, उसने भड़काकर कहा था कि अगर तुझे राजगद्दी चाहिए तो राणा कुंभा को मार्ग से हटाना पड़ेगा। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुछ सरदारों के बहकावे में आकर राणा उदा ने अपने पिता की हत्या की थी। कारण जो भी रहा हो, पर मेवाड़ के सरदारों ने और प्रजा ने राणा उदा को माफ नहीं किया। मेवाड़ के लोग पितृघाती पुत्र को
पितृ हंता पुत्र को हत्यारा कहते थे और उसका मुंह देखने से भी नफरत करते थे। यहाँ तक कि वंशावली लिखने वालों ने तो वंशावली में राणा उदा का नाम तक लिखना स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ के लोग उस समय तो उदा को गद्दी पर बैठने से नहीं रोक सके, लेकिन सभी सरदारों ने दरबार में आना बंद कर दिया। वो अपने स्थान पर अपने भाई या बच्चों को भेजकर औपचारिकता मात्र पूरी करने लगे। राणा उदा ने राणा कुंभा के छोटे भाई क्षेमकरण से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही शत्रु राज्यों से भी संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए। रावत चुंडा के वंशज रावत कांदल की अध्यक्षता में सभी सरदारों ने रायमल को वापस बुलाने का फैसला किया। सूचना मिलते ही रायमल अपनी ससुराल ईडर से कुछ फौज लेकर जावर की तरफ बढ़ा। यहाँ मेवाड़ के कई सामंत अपनी अपनी फौज लेकर रायमल के साथ मिल गए। यहाँ रायमल ने जावर पर अधिकार कर लिया और इसके बाद रायमल और राणा उदा की सेना के मध्य कई युद्ध हुए। राणा उदा युद्ध में हारता और भागकर आगे के दुर्गों में शरण ले लेता। दाड़िमपुर में हारा, वहां से भागकर जावी में जा पहुंचा। जावी में हारकर वहां से भागा और पानगढ़ में जा छुपा। पानगढ़ से परास्त होकर भागकर चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ से परास्त होकर कुंभलगढ़ में जाकर छिप गया। जब रायमल कुंभलगढ़ पहुंचा तो ये वहां से भी भागकर सोजत में चला गया और कुछ दिन ये सोजत के एक मंदिर में रहा। सोजत से भागकर कुछ समय ये बीकानेर में रहा और बीकानेर से भी भागकर ये मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बेटे गयासुद्दीन की शरण में चला गया। और यहाँ राणा उदा ने गयासुद्दीन को मेवाड़ पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया। बदले में राणा उदा ने गयासुद्दीन से अपनी बेटी के निकाह का प्रस्ताव भी रखा। गयासुद्दीन मेवाड़ पर हमला करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब राणा उदा गयासुद्दीन के पास से वापस अपने खेमे में जा रहा था, मार्ग में उस पर आसमानी बिजली गिर गई और एक पितृहंता और देशद्रोही पुत्र को स्वयं ईश्वर ने ही सजा दे दी। मेवाड़ में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि उदा बाप न मार जे, लिखियो लाभ है राज, देश वसाय और रायमल सर्यो न एको काज। हे उदयकरण, तुझे अपने पिता की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। यदि तेरे नसीब में लिखा होता तो राज तो तुझे वैसे भी मिल जाता। देश पर शासन फिर भी रायमल ने किया और तेरा एक भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। ये थी राणा कुंभा की मृत्यु और उनके हत्यारे ज्येष्ठ पुत्र उदा की कहानी। आपके क्या विचार हैं इस प्रथा के बारे में, जहां अपने संबंधियों की हत्या करके सत्ता हत्या ली जाती थी? और इतिहास में ऐसे कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने अपनों की हत्या करके गद्दी छीन ली? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।